न जाने क्यों घमंड करते हैं, कहते प्रभु का नूर जो देखे उसे इंसान कहते हैं, प्रभु का नूर जो देखे उसे इंसान कहते हैं, जो भरता पेट है केवल उसे हैवान कहते हैं, जो भरता पेट है केवल उसे हैवान कहते हैं, जानता है मौत एक दिन मुंह के बल गिराएगी, न जाने फिर भी क्यों इंसान को अभिमान होता है। सबको पता है कि एक दिन मर जाना है, सबको पता है, हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, सब मरेंगे, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती करने से चूकते नहीं। चूकते हैं क्या? अच्छा, हमें अगले क्षण का पता नहीं है, हम कब मरेंगे, कल जीवित रहेंगे नहीं रहेंगे, और हम लोग फोन में रिचार्ज कितने का कराते हैं? 6 महीने का। भाई हमको तो 1 ईयर की चाहिए, क्या ठिकाना है? तो ये जबरदस्ती तो है, अगले क्षण का भरोसा नहीं है, और अगले साल भर का हम लोग वैलिडिटी चाहते हैं, और इसकी वैलिडिटी कब तक है कुछ पता ही नहीं। आना जाना जाना तूने, खाना और पीना जाना, आना जाना जाना तूने, खाना और पीना जाना, भाई जाना, बहन को जाना, सगे संबंधियों को जाना, लेकिन कहते हैं तुमने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे है जाना, तुमने उसी को ना जाना जिसके पास तुझे है जाना। सब कुछ जान के क्या कर ली आप, जिस भगवान के पास अंत में जाना है उसी को नहीं जान पाया। अहंकार किसी बात का नहीं होना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी प्राप्त है, और एक सूत्र जीवन का समझा जाए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो मिला है उसी में संतुष्ट रहा जाए। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण है। अच्छा, जिस समय हम लोग के पास एक साइकिल हुआ करती थी, भगवान के पास जाते लोग, प्रभु साइकिल से बड़ी समस्या हो रही है, बहुत मेहनत पड़ रही है, जाना होता है जॉब करने, तो एक बाइक हो जाती बड़ा आनंद हो जाता, भगवान ने एक बाइक दे दी, चलो भाई बाइक से चलो। अभी 6 महीने उसे चलाया नहीं, प्रभु धूप लगती है, बारिश हो जाती है, अब एक छोटी सी 4-व्हीलर होती तो बढ़िया, आनंद करके हम भी जाते। अच्छा चलो 4-व्हीलर भी दे दिया एक, अब कोई कमी, गाड़ी तो प्रभु हो गई, लेकिन एक बढ़िया घर हो जाता तो बड़ा आनंद होता। अच्छा घर भी हो गया, और प्रभु बढ़िया सी अब एक पत्नी मिल जाए तो जीवन फिर आनंदित हो जाए। अच्छा पत्नी भी आ गई, अब खुश हो? नहीं प्रभु, अब विवाह को 4-5 साल हो गए, एक नन्हा मुन्ना बालक भी आ जाता बड़ा आनंद होता। अच्छा बालक भी आ गया, अब खुश हो? प्रभु बस ये बड़ा हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए तो हम निश्चिंत हो जाए। अच्छा चलो भाई उसकी भी नौकरी लग गई, अब खुश हो? महाराज इसका विवाह हो जाए तो हम खुश हो जाए। अच्छा उसका भी विवाह हो गया, अब खुश हो? कोई कमी? बस प्रभु बस अंतिम इच्छा है पोता देख लें तो हम निश्चिंत हो के मरे। अच्छा पोता भी हो, अब खुश हो? बस ये इसकी नौकरी लग जाए तो बढ़िया से प्राण निकले। अच्छा उसकी नौकरी भी लग जाए, बस इसकी बहू आ जाए तो महाराज हम तो बस गंगा नहा लें। ये क्या है? इच्छाएं बढ़ती गई। हमारे पास जो है हम उसमें प्रसन्न नहीं रहते, दूसरे की चीज सबको बड़ी अच्छी लगती है, जो अपने पास है वो नहीं अच्छा लगता है।